स्लिप देनी। खड़ा हो जाओ जी। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? या कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। हेलो खड़ा दो। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? या कितने प्रकार के होते हैं? किसी बिंदु स्वरूप से आती हुई प्रकाश से किरण दर्पण से परावर्तन के बाद बाद मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब। शाबाश। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। कौन कौन? वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। नहीं, आभासी। हाँ, अब बता दो वास्तविक प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्वरूप से आती हुई प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती हुई जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक। चल भाई, सही। इतना मेहनत करेगा तब तो बढ़िया है। तुम खड़ा हो जाओ, बोलो। अरे काल्पनिक प्रतिबिंब बोलो। काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं खे, यदि कोई रहा पहुना ही करे। ससुराली गई रहा। वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर? वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में नहीं होते। वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु से आदि प्रकाश की दर्पण से परावर्तक बाद दर्पण से परावर्तक बाद जिस बिंदु पर वास्तव रूप से मिलते हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब जिस बिंदु से आदि प्रकाश से किरण दर्पण से परावर्तक बाद जिस बिंदु पर आदि प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे गाढ़ी रेखा द्वारा सूचित किया जाता है। इसे टूटी हुई रेखा द्वारा सूचित किया जाता है। इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह वो किसी वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है या किसी वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। और तो दर्पण का उपयोग बताओ संदीप। बोलो अब बताओ तू ही लो। बोलो अच्छा सुनो। अवतल दर्पण का उपयोग बोलो। खड़ा हो जाओ। बोलो अवतल दर्पण का उपयोग लिखे। दादी बनाने में? हाँ, दाढ़ी बनाने में। बोलो बोलो। चिकित्सालयों में रोगियों को कान गला आदि देखने के लिए आदि देखने और जल्दी बोलो। खड़ा बोलो। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु शोषण करते हैं प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से तो मिलती है मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। बैठिए। बोला बच्चों अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग तुम बोलो। खड़ा हो जाओ। अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग बोला बोला। अवतल दर्पण का उपयोग क्या आसान है लोगों को अहंकार का। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? अवतल दर्पण के
खड़ा जा चुआ है अवतल दर्पण का उपयोग गणित लेके पढ़ रहे हैं हम विज्ञान पूछ रहे हैं क्या बोलो हाँ नहीं क्या यार नहीं रहा तो हम घरे ना ना लिख के चौपाई बोल बोलो घरे घरे हम लिख लिख के चौपाई खड़ा जा बच्चे प्रतिबिंब किसे कहते हैं बोलो प्रतिबिंब किसे कहते हैं खड़ा जो बच्चे प्रतिबिंब किसे कहते हैं खड़ा होते जो प्रतिबिंब किसे कहते हैं खड़ा होगा बच्चे ऐसे साइड से वही बता रही हूँ प्रतिबिंब किसे कहते हैं खड़ा जा बच्चे जल्दी जल्दी टाइम नहीं है प्रतिबिंब किसे कहते हैं हाँ बोलो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं या मिलती प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब अभाजित प्रतिबिंब अवतल दर्पण का उपयोग डायरी बनाने में टॉर्च या वाहनों के हेडलाइट में चिकसलों हरी सर भट्टियों में हम कहा कना भरी भाई ठीक है बैठ जा तू लगन के हो हमार बाबू लगन कितना बढ़िया बढ़िया काम कर दो जा हमारे बच्चों वालों हम हमारे भाइयों कितना बढ़िया बढ़िया काम कर